इस वीडियो में मैं आपको मेला घुमाऊंगी। शिव मंदिर के धाम पर लगने वाला बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। यहाँ पर हर साल आखिरी शनिवार अर्थात दिसंबर के आखिरी शनिवार को मेला लगता है। साल में एक बार ही लगता है। शिव जी का धाम डांगरिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। पासीघाट में लोग इसे डांगरिया बाबा के नाम से जानते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत ही भव्य और सुंदर है। कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है यहाँ पर टूरिस्ट साइट देखते हुए। यहाँ पे देखिए लोग आते हैं और यहाँ प्रसाद के रूप में खिचड़ी का आनंद भी लेते हैं। चलिए यहाँ हम लोग मंदिर का रास्ता लेते हुए चलते हैं। यहाँ देखिए छोटे बड़े बाजार अभी सज रहे हैं। सुबह का समय है। गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया जाता है, बाहर ही रोक लिया जाता है क्योंकि यहाँ से बाजार शुरू हो जाता है। चलिए देखते हुए मंदिर का पहले दर्शन करेंगे और उसके बाद बाजार का आनंद लेंगे। ये देखिए भीड़ अभी से इतना ज़्यादा हो गया है। पिछले साल तो इतना भीड़ नहीं था कोरोना की वजह से। इस साल बहुत बड़ा मेला दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ मीठा पान का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। चूड़ी कंगन बिंदी सब कुछ सजा। देखिए मंदिर का गेट है। आसपास देखिए पहले से इतना भीड़ लगा हुआ है। लगता है ये लोग मंदिर का दर्शन करके बाहर निकले हैं। चलिए हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं। देखिए अंदर जाने का प्रयास लोग कर रहे हैं। भीड़ पड़ी है। हम भी घुसते हैं। चलिए अंदर का नज़ारा देखते हैं। यह है बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़ शिव जी के मंदिर के अंदर। और यहाँ शनि जी का पूजा किया जाता है। यहाँ देखिए अच्छा सुख बांधने के लिए भी घी अंदर पड़ी है। चलिए यहाँ मंदिर का गर्भ है। मंदिर का गर्भ देखिए घी से अटा पड़ा है। तो आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो घी से मैं भी दर्शन कर लेती हूँ। अब बाहर निकला जाए। यहाँ से भर गया है अंदर का घर। चलिए मंदिर का दर्शन हो गया। आप खिचड़ी खाते हैं। यहाँ खिचड़ी बहुत ही टेस्टी मिलता है। यहाँ की विशेषता है लोग एक साथ मिलकर खाते हैं। कोई बैठ कर कोई खड़े होकर। आप खुद देख लीजिए यहाँ पर इतना भीड़ इकट्ठा है खा रहे हैं। और जाते समय बूंदी का प्रसाद लेके जाते हैं। जितना चाहिए उतना लीजिए। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। यहाँ का एक आशीर्वाद है। मंदिर सुंदर है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। टूरिस्ट साइट देखते हुए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है। ये देखिए भीड़ इकट्ठा है। चलिए बाहर निकलते हैं। बाहर देखिए अब ये बाजार सज गए हैं। बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर सबके आवश्यकता अनुसार यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी आपको। देखिए यहाँ खाने पीने का भी सामान है। बाहर सब ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। शाम तक भीड़ इतना ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर कि सभी सामान लगभग बिक भी जाता है। देखिए मेला घूमना तो बहुत अच्छा लगता है। खरीदो या ना खरीदो चीज़ों को देख देख के। ये देखिए कंगन वाली वाला इतना सुंदर सुंदर डिज़ाइन का। जितना गोल्ड में डिज़ाइन नहीं मिलता है उतना तो यहाँ देखिए इतना सुंदर। सस्ते भी महंगे भी डिज़ाइन देख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। रेडीमेड कपड़े सजे पड़े हैं। क्या चीज़ है ना यहाँ जड़ी बूटी भी बिक रही है। जंगल के फूल वगैरह दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। और यहाँ देखिए कंगन शंख जो चाहिए वो खरीदिए। बच्चे बूढ़े सब आनंद उठा रहे हैं मेला का। ये ऐसे जंक्शन पर मेला लग जाता है ना कि सभी रास्तों पर लोग अपना बाजार सजा कर बैठे रहते हैं।
के बने हुए लोकल कपड़े यहाँ बिक रहे हैं। सुंदर सुंदर गाले का तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या, ये बहुत ही खूबसूरत नागा गाले है ये। और ये कपड़ा बनाने का सुंदर लग रहा है, बेल्ट है सुंदर, गाले बनाता है लगा के ना। और आप फ्रेम देखिए, यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है बाजार में, लोग यहाँ अपनी जरूरत के अनुसार खरीदते हैं और लेकर जाते हैं। साल का ये आखिरी शनिवार का बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा।